NCBI की रिपोर्ट की माने तो 12% से भी ज्यादा लोगों को किडनी स्टोन की समस्याएं होती है, और अगर वक्त रहते इसे ठीक ना किया जाए तो ये ब्लड को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इसके इलाज से जुड़े हुए काफी मिथ्स भी हैं, जैसे बियर पीने से ही आपकी किडनी के स्टोन डिसॉल्व होते हैं। बट साइंटिफिकली अगर आप बियर लेते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जमा हुआ एसिड और प्रोटीन कहीं जाके किडनी में कॉन्सेंट्रेट यानी कि जमने लगता है। और कई लोग का तो ये भी मानना है कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं तो हमें किडनी स्टोन्स नहीं होते, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड कैल्शियम हमारे बोन से जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बोन की डेंसिटी कम होने लगेगी। इसीलिए इन मिथ्स पे ना जाएं और अपनी किडनी स्टोन का सही इलाज करवाएं। और अगर इसके इलाज की बात की जाए तो एक सामान्य से किडनी सर्जरी में भी 30,000 से भी ज्यादा का खर्चा लगता है, और सर्जरी के दौरान पूरी तरीके से किडनी के स्टोन बाहर आ जाए ये संभव नहीं है, और कभी कभार तो इसके छोटे मोटे टुकड़े भी किडनी में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे जाके भविष्य में किडनी स्टोन के खतरे बने रहते हैं। तो अब हम करें तो करें क्या, इसका इलाज है आयुर्वेदा में। आयुर्वेद की माने तो आपका इंटेस्टाइन भी एक मेजर रोल प्ले करता है किडनी स्टोन में। एक सामान्य व्यक्ति में सबसे ज्यादा खतरा कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स का होता है, और अगर किसी भी व्यक्ति का इंटेस्टाइन अच्छा ना हो तो उनके बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट साथ में कम्बाइन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनके बॉडी में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है जो भविष्य में स्टोन का फॉर्म ले लेती है। और अगर आपका इंटेस्टाइन हेल्दी है तो आपको मौजूदा परेशानी से आराम मिलता है और भविष्य में स्टोन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर मानसी, आयुर्वेद एक्सपर्ट, आपको रिकमेंड करती हूँ स्टोन वेदा। इसमें मौजूद आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जैसे गोक्षुर, पाषाण भेद, रक्त चंदन, सौंफ, कुशा, गिल्लोय और नींबू के सत्व मौजूद हैं, जो मदद करता है गट हेल्थ को बेहतर बनाने में, बाइल सिक्रेशन को बढ़ाने में, ताकि ये बाइल फोर्सफुली आपके बॉडी में प्रेजेंट स्टोन्स को बाहर निकाल सके। और साथ में ही ये किडनी में यूरिक एसिड, कैल्शियम और मिनरल्स को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता, जिससे भविष्य में किडनी स्टोन का खतरा कम हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को अक्सर UTI की समस्या रहती है तो भी वो स्टोन वेदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि स्टोन वेदा अल्कलाइन होता है नेचर में, तो ये यूरिन के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है और उसे लेस एसिडिक बनाता है। और स्टोन वेदा शुगर फ्री है तो इसे डायबिटिक पेशेंट्स भी आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टोन वेदा लेने के साथ अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जैसे हेल्दी डाइट लेना, बाहर का कंटामिनेटेड फूड, ऑयली फूड नहीं लेना, 2 से 3 लीटर पानी पीना, साथ ही में पीएच लेवल को मेंटेन करके ड्रिंक्स लेना, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं।